उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजावड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मोहल्ले में 7 फीट लंबा अजगर निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की तो अजगर एक पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद गांव के ग्रामीण दहशत में आ गए और वन विभाग की टीम को सूचना दी। गांव के उप सरपंच अम्बालाल प्रजापत ने बताया कि गांव के कनावा फला के प्रजापत मोहल्ले में हुक्मी चंद पिता नवलराम प्रजापत के घर के पीछे बाड़े में काम कर रही महिलाओं को एक अजगर दिखाई दिया। उनके चिल्लाने पर आसपास के लोग व गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने के भरसक प्रयास किए, लेकिन अजगर एक पेड़ पर करीब 25 फीट ऊपर चढ़ गया, जिससे पूरे गांव के ग्रामीण दहशत में आ गए। फिर उप सरपंच ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिस पर वन विभाग के अधिकारी नरेंद्रपुरी गोस्वामी, धर्मेंद्र मीणा सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन अजगर एक डाल से दूसरे डाल पर चढ़ता गया। फिर वन विभाग की टीम ने एक डाल को काटकर अजगर को नीचे गिराया और करीब 2 घंटे की अधिक मेहनत कर अजगर को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों की जान में जान आई और वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। वहीं आपको बता दें कि अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने भी बड़ी मेहनत की। फोन से सूचना मिली कि के एक पेड़ पर कोई अजगर चढ़ गया है, तो सूचना पर मैं और हमारी टीम के जैसे धर्मेंद्र जी हैं मौके पर पहुंचे और वहां जाके देखा तो पेड़ मतलब मोहे का पेड़ था, उस पर लगभग 20-25 फीट ऊपर चढ़ गया था, तो वहां से बड़ी मुश्किल से हमने रस्सी से बांध के उसको नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद रेस्क्यू करके उसको नाल मुखी के जंगल। कितना लंबा था, क्या था वो? 6.5-7 फीट के आसपास। डिजिटल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।